नमस्कार माय नेम इज़ कुसुम सैनी एंड आई एम असटेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ इन बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस. टुडे आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर ऑन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो कंप्लीट करते हैं वो पढ़ते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है वॉट इज कॉन्ट्रैक्ट जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संविदा संविदा से आप क्या समझते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 2 के क्लॉज एच में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है हम डेफिनेशन को बेरेक्ट से बाद में पढ़ेंगे पहले लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि वो डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है कॉन्ट्रैक्ट से हम क्या समझते हैं संविदा से हम क्या समझते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वो अग्रीमेंट है वो करार है जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा उसे कहते हैं संविदा उन करारों को कहते हैं जो कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय है कॉन्ट्रैक्ट आर दोज अग्रीमेंट विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ तो मैम करार क्या होता है और वो कौन से करार हैं जो enforceable by law है? तो सबसे पहले समझते करार कैसे बनाया जाता है What is an agreement? Agreement से हम क्या समझते हैं? तो देखिए एग्रीमेंट में प्रपोजल होता है और एक्सेप्टेंस होती है एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोजल देता है कोई प्रस्ताव देता है प्रस्ताव कैसा होता है किसी चीज को करने या ना करने का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब प्रस्ताव देता है और वो दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव में अपनी स्वीकृति देता है जो कार्य उसको करने के लिए कहा गया है या जो कार्य उसको करने के लिए नहीं कहा गया है उसमें वो तो अपनी स्वीकृति देता है तो जैसे ही वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा स्वीकृति दे देगा ये दोनों ही व्यक्ति आपस में वचनबद्ध हो जाएंगे दिस प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज डन फॉर सम कंसीडरेशन कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव देता है और वो दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है ये किस लिए किया जाता है इसका पर्पस क्या होता है कि दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को कोई कंसीडरेशन दे प्रतिफल दे वट इज द मीनिंग ऑफ प्रतिफल कंसीडरेशन क्या होता है अभी मैंने आपको इन सारे टर्म्स से इंट्रोड्यूस करवाया है पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं देखिएगा यहाँ हमारे दो कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे शर्मा जी एंड वर्मा जी शर्मा जी जो है वो वर्मा जी से कहते हैं कि क्या तुम मेरी कार एक लाख रुपए में खरीदोगे न शर्मा इज शर्मा जी इज गिविंग प्रपोजल टू वर्मा जी शर्मा जी प्रस्ताव दे रहे हैं वर्मा जी को कि क्या वर्मा जी एक लाख रुपए में शर्मा जी की गाड़ी खरीदेंगे और वर्मा जी क्या कह रहे हैं यस वर्मा जी जैसे ही यस बोल रहे हैं तो दैट मीन्स वो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं वो अपनी स्वीकृति दे रहे हैं तो जैसे ही वर्मा जी ने स्वीकृति दी अब शर्मा जी एंड वर्मा जी दोनों वचनबद्ध हो गए ये स्वीकृति जैसे ही आई ये बन गया प्रॉमिस अब इस करार में कंसीडरेशन क्या हुआ शर्मा जी के लिए तो कंसीडरेशन प्रतिफल हुआ ये एक लाख रुपए जो कि वर्मा जी देंगे और वर्मा जी के लिए इस करार में प्रतिफल क्या हुआ ये गाड़ी जो कि शर्मा जी वर्मा जी को हैंडओवर ओवर करे अब यहां पे क्योंकि शर्मा जी वचन दे रहे हैं ठीक है तो ये कहलाते हैं वचनदाता इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे प्रोमिस और वर्मा जी क्योंकि ग्रहण कर रहे हैं प्रस्ताव को ही इज रिसीविंग द प्रपोजल तो ये क्या कहलाएंगे वचन ग्रहीता। यही पूरा आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखिए कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने देख ली कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ ये दी हुई है आपके सेक्शन टू के क्लॉज एच में अग्रीमेंट क्या होता है अग्रीमेंट की डेफिनेशन आपके 2 के क्लॉज ई में दी हुई है अब अग्रीमेंट क्या होता है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस व्हिच बिकम्स प्रॉमिस तो प्रपोजल की डेफिनेशन हमारी कहां दी हुई है सेक्शन 2 के क्लॉज ए में एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी हुई है हमारे सेक्शन 2 के क्लॉज बी में consideration प्रतिफल जो कि हमने समझा क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी हुई है आपके सेक्शन टू के क्लॉज डी के अंदर वही टू का क्लॉज सी बताता है हु इज प्रॉमिसर एंड हु इज प्रॉमिसि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक संविदा की विशेषताएं क्या होती है हमने देखा हमने जाना कि वो एग्रीमेंट्स जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हैं वही कॉन्ट्रैक्ट का रूप बनते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं तो दैट मींस ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट हम ये बोल सकते हैं सभी संविदाय करार हैं, परंतु सभी करार संविदाय नहीं हैं। क्यों नहीं है इसको इधर से समझते हैं कि सभी करार संविदाय नहीं हैं क्यों नहीं है क्योंकि वही करार संविदाएं बन पाती है जो कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय होती है ओनली दो अग्रीमेंट्स कैन बिकम कॉन्ट्रैक्ट विच आर एनफोर्सियबल बाय लॉ इसीलिए कहा जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट तो कौन कौन से अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है और एनफोर्सिएबल बाय लॉ कौन 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 से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ये वाले होते हैं वो करार जिसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑफर दे रहा है और दूसरा व्यक्ति उस ऑफर को स्वीकार कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट सेकंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप जो ऑफर दिया जा रहा है और जिस ऑफ़र को स्वीकार किया जा रहा है वो ऑफ़र लीगल रिलेशनशिप बनाने के इंटेंशन से दिया जाना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपने घर चाय पर बुलाता है तो वो चाय पीने का ऑफ़र दे रहा है अपने दोस्त को और दूसरा दोस्त उस चाय पीने के ऑफ़र को स्वीकार कर रहा है तो यहाँ पर जो ऑफ़र दिया जा रहा है वो मित्रता के रूप में दिया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों का किसी लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने का कोई इंटेंशन नहीं है तो जहाँ पर ऑफ़र लीगल रिलेशनशिप के इंटेंशन से दिया जाए वही करार जो है कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है इसमें एक बहुत ही फेमस केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस इस केस में एक कपल सिलोन से इंग्लैंड जो है वो घूमने जाता है वहाँ पर जाकर वाइफ की कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं वाइफ की तबीयत ख़राब हो जाती है हस्बैंड वापस सिलोन आ जाता है वाइफ इंग्लैंड में ही रुक जाती है हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस करके आता है कि मैं सिलोन से तुम्हें पैसा भेजता रहूँगा हस्बैंड कुछ समय तक पैसा भेजता है लेकिन आफ्टर दैट वो पैसा भेजना बंद कर देता है तो यहाँ जो वाइफ है वो हस्बैंड के ऊपर केस फाइल कर देती है फॉर नॉट फुलफिलिंग द प्रॉमिस तो यहाँ पर कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये जो ऑफर दिया गया था ये जो करार बनाया गया था हस्बैंड और वाइफ के बीच में वहाँ पे उनका कोई इंटेंशन नहीं था किसी लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने का दिस अग्रीमेंट ऑफ सेंडिंग मनी फ्रॉम टू इंग्लैंड डज़ नॉट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट यह संविदा का रूप इस करार ने नहीं लिया है नेक्स्ट द पार्टीज आर कॉम्पटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो पक्षकार हैं जिन्होंने आपस में प्रस्ताव दिया है और उस प्रस्ताव को स्वीकार किया है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए सक्षम होने चाहिए मीन्स कौन व्यक्ति करार दे सकता है और कौन उसको स्वीकार कर सकता है तो सबसे पहले वो व्यक्ति करार बना सकता है जो कि मेजर हो व्यस्क हो मीन्स 18 साल से कम उम्र का ना हो दूसरा मेंटली इनकेपेबल पर्सन ना हो पागल ना हो लॉ ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना कर दिया हो दिवालिया घोषित व्यक्ति ना हो वो एलियन एनिमी ना हो मतलब ऐसा व्यक्ति ऐसे देश से जिस देश के साथ हमारे इंडिया का वॉर डिक्लेयर हुआ हुआ है तो उस देश का कोई भी व्यक्ति हमारे लिए एलियन एनिमी होता है तो हम ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते तो पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट पॉइंट देयर इज कंसीडरेशन, जो आप प्रस्ताव दे रहे हैं और जिस प्रस्ताव की स्वीकृति हो रही है उसके एवज में कोई प्रतिफल होना जरूरी है विदाउट कंसिडरेशन देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट इसको हम कंसीडरेशन को हम क्विट प्रो क्यो भी लिख सकते हैं जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न तो हमारे प्रस्ताव में हमारी स्वीकृति में जो वचन हम वचनबद्ध हो रहे हैं उसके बदले में कुछ वैल्यू की कंसीडरेशन होनी ज़रूरी है यहाँ पे कंसीडरेशन का मतलब एडिकेट वैल्यू से नहीं है कुछ वैल्यू होनी चाहिए जैसे हमारे पहले एग्जाम्पल में शर्मा जी ने वर्मा जी को एक लाख रुपए में गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव दिया अब हो सकता है कि गाड़ी की कीमत एक लाख से कहीं अधिक हो लेकिन शर्मा जी को वन लाख रुपीज अप्रोप्रिएट लगे तो उन्होंने एक लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव दिया तो यहां पे समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए एडिक्वेट वैल्यू होना जरूरी नहीं है नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल जो आप करार कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए आप करार कर रहे हैं उसका जो उद्देश्य है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे आपके घर का एक कमरा किराए पर मांगा मैंने आपको प्रस्ताव दिया कि क्या आप अपने घर का एक रूम मुझे रेंट पर देंगे आपने स्वीकृति भी दे दी मैं भी मेजर हूं आप भी मेजर हैं ठीक है यहां तक सब कुछ लॉफुल चल रहा है अब आपने मुझसे पूछा कि मैडम आप इस रूम का करेंगी क्या मैंने आपको बोला कि जी मैं वहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दूंगी तो यहाँ पर जो मैंने प्रस्ताव दिया है आपसे रूम किराए पर लेने का तो मेरा जो उद्देश्य है ऑब्जेक्ट है उस रूम को रेंट पे लेने का वो लॉफुल नहीं है तो ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल यदि ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है तो वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनेगा नेक्स्ट द अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड ऐसे कुछ अग्रीमेंट्स हैं जिनको हमारा जो लॉ है वो ही वॉइड घोषित कर देता है वॉइड मीन शून्य हमारा लॉ कहता है कि कुछ करार ऐसे होते हैं जिन्हें हम शून्य मानते हैं जिन्हें हम वैलिड नहीं मानते फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर जिन्हें हम अलग टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे तो ऐसे कुछ करार हैं जिनको लॉ ही क्या कहता है बेटा लॉ ही उनको वॉइड डिक्लेयर करता है कि ऐसे करार हम वॉइड मानते हैं शून्य मानते हैं नेक्स्ट हमारा एसेंशियल एलिमेंट आता है कॉन्ट्रैक्ट का कि अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वेक और अनसर्टेन आप ऐसे कोई भी करार नहीं बनाएंगे जो कि निश्चित प्रवृति के ना हो निश्चित प्रकृति के ना हो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रपोजल दे रही हूं कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे मेरे गैरेज में दो गाड़ियां रखी है रेड कलर की और वाइट कलर की मैंने आपको क्लियर नहीं किया है कि मैं रेड कलर वाली गाड़ी आपको बेचना चाह रही हूँ या वाइट कलर वाली गाड़ी बेचना चाह रही हूँ मैंने सिर्फ आपको एक प्रपोजल दिया है जो कि वेक और अनसर्टेन है जो कि निश्चित प्रकृति का नहीं है तो दिस अग्रीमेंट कैन नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इसमें आप यदि आप अपनी स्वीकृति दे भी देंगे तो वो अग्रीमेंट करार जो है वो नहीं बन पाएगा नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज अग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि केपेबल टू परफॉर्म हो आप ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे आप ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं देंगे आप ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए स्वीकृति नहीं देंगे जो कि करना असंभव हो फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 56 कहता है कि एन एक्ट इंपॉसिबल टू परफॉर्म कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कार्य जो कि इंपॉसिबल है परफॉर्म करने के लिए उस कार्य का ना तो आप प्रस्ताव दे सकते हैं ना आप उस कार्य के लिए स्वीकृति दे सकते हैं फ़ॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे हंड्रेड रुपीज़ दो मैं अभी आपको उड़कर दिखाती हूँ तो क्या ये पॉसिबल है नहीं मैं आपसे बोलूँ कि ये दो पैरलर लाइन्स हैं इनको मैं एक कर सकती हूँ तो इज इट पॉसिबल नहीं है तो ऐसा करार जो कि इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता एक आपका एसेंशियल एलिमेंट होता है किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कि उसमें जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए प्रस्ताव के अगेंस्ट में जो आप अपनी सहमति दे रहे हैं वो सहमति स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए मतलब आप किसी के दबाव में आकर वो सहमति नहीं दे रहे हैं आपको कोई डरा धमकाकर आपसे सहमति नहीं ले रहा है तो यदि आपकी सहमति स्वतंत्र सहमति है प्रस्ताव के लिए इफ़ योर कॉन्सेंट इज़ फ्री कॉन्सेंट टू वर्ड्स प्रपोजल तो ही आपका जो अग्रीमेंट है वो क्या बन पाएगा कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा फ्री कंसेंट कब कहलाई जाती है तो सेक्शन 14 हमें बताता है कि व्हाट इज़ फ्री कंसेंट फ्री कंसेंट वो है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स ना हो, दैट मीन्स ऐसी कंसेंट जो कि कोएशन के द्वारा ना प्राप्त की गई हो अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा ना प्राप्त की गई हो फ्रॉड से ना ली गई हो मिस्टेक के द्वारा आपने किसी गलती की वजह से आपने सहमति ना दी हो या मिसरिप्रजेंटेशन की वजह से मिथ्या जो कि हिंदी में बोला जाता है उसकी वजह से आपने सहमति नहीं दी है ये आपके टॉपिक्स हैं जिन पे अलग से क्वेश्चन बनता है, जो कि हम अलग से पढ़ेंगे अभी हम इसको ब्रीफ में समझते हैं द मीनिंग ऑफ प्रपीडन कोर्जिन? कोर्जिन से क्या समझा जाता है कब सहमति के द्वारा प्राप्त की हुई मानी जाती है सेक्शन 15 में कोर्जन जो है वो डिस्क्राइब किया गया है फॉर एग्जाम्पल आपके कनपट्टी पे किसी ने बंदूक रखकर आपसे सहमति प्राप्त की हो तो वो सहमति आपकी फ्री कॉन्सेंट नहीं कहलाएगी टू द प्रपोजल तो ऐसी सहमति के द्वारा आपको पीड़ा पहुंचाकर क्या ली गई है आपसे सहमति ली गई है तो दैट कॉन्सेंट इज नॉट फ्री कॉन्सेंट नेक्स्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी के प्रभाव में आकर किसी पर आपने ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी के प्रभाव में आकर आपने क्या किया है सहमति दी है तो वो असम्यक असर द्वारा सहमति कहलाई जाती है तो दैट कॉन्सेंट इज़ ऑल्सो नॉट अ फ्री कॉन्सेंट नेक्स्ट किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है कपट से आपकी सहमति ली है मिस्टेक से या मिसरिप्रजेंटेशन करके आपको चीजों के बारे में गलत रिप्रेजेंट करके आपसे क्या ले ली गई है सहमति ले ली गई है तो ऐसी सहमति फ्री कॉन्सेंट नहीं कहलाती है आर द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन डिटेल Thank you for watching the video. Please continue watching it on Guru KPO. Thank you.